दोस्तों, अगर आपका भी नेटवर्क बहुत ही ज्यादा स्लो चलता है और यार आप कितना भी सेटिंग कर लो, यानी कि आपका एयरटेल का हो, वीआई का हो, जियो का हो, अगर आपका कोई का भी सिम हो, तो यार आपका नेटवर्क जो है स्लो चलता है। फिर भी अगर आप जियो का अगर आपका स्लो चलने लगा तो आप एयरटेल का ले लिए, ये नहीं कि आप एयरटेल का ले लिए तो फिर उसमें फास्ट चलने लगेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर में जो है एक ही देखने को मिलता है चीज, और उसमें जो है आपको सेटिंग करने पड़ते हैं जो कि आप करते नहीं हो, और वो जो है सेटिंग नहीं करोगे तो वो सब जो है नंबर गायब हो जाएंगे जो कि नंबर रहते हैं, तो वो सब आपको सेटिंग करने पड़ते हैं लेकिन आप करते नहीं हो। नेटवर्क रिसेट करना पड़ता है, बहुत सारे सेटिंग करने पड़ते हैं, लेकिन आज की वीडियो मैं आपको चार हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, और वो सब अगर आप सेटिंग कर लेते हो तो भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका कैसा भी सिम हो, कोई कंपनी का सिम हो, आपका जो नेटवर्क जो है इतना फास्ट चलेगा कि आप खुद देखकर चौंक जाओगे, और आपके दोस्त देखेंगे तो वो भी बोलेंगे कि भाई मुझे भी बता दो ये सेटिंग, तुम्हारा इतना नेटवर्क फास्ट चल रहा है लेकिन मेरा नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, तो वो सेटिंग कौन से और उसको कैसे करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं टेकॉम सपोर्ट यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और पूरा वीडियो देख के जाना, पूरा वीडियो अच्छा लगे तो तभी एक वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों चलिए मैं अभी आपको बताता हूं कि आपके फोन का नेटवर्क कैसे एकदम फास्ट चलने लगेगा, या आपका एयरटेल का हो, जियो का हो, वीआई का हो, वोडाफोन का हो, कोई का सिम हो, आपका नेटवर्क जो है पूरा फास्ट चलने लगेगा, पहले से ज्यादा आपका आज का परफॉर्मेंस देखने मिलेगा आपके मोबाइल में, और फिर आप कमेंट करके बताना कि भाई मेरे मोबाइल में अच्छा नेटवर्क चल रहा है या नहीं। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं फर्स्ट सेटिंग के बारे में। फर्स्ट सेटिंग में दोस्तों आपको आ जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग्स में, और जैसे ही आप सेटिंग में आ जाओगे तो यहां पर आपको सर्च करना है रिसेट। जैसे ही आप रिसेट सर्च करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक आपको ऐसा ऑप्शन देखने मिलेगा, देखिए रिसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा रिसेट नेटवर्क सेटिंग, और नीचे आप पढ़ सकते हो रिसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क, यानी कि अगर आप इसको रिसेट करोगे तो आपका साथ साथ वाईफाई का भी रिसेट होगा, ब्लूटूथ का भी रिसेट होगा, और मोबाइल नेटवर्क का तो होना ही है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फिंगरप्रिंट दे देना है अपना, नहीं तो आपको पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड दे देना है। फिर यहां पर आपको देखने मिलेगा रिसेट नेटवर्क सेटिंग, तो इसको आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो भाई ये आपका नेटवर्क वाईफाई ब्लूटूथ जो है रिसेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए, अगर आप नया नया फोन लाए हो और सोच रहे हो, आप 2-3 महीना चला लिए फोन और सोच रहे हो कि भाई मेरा इतना नेटवर्क स्लो क्यों चलने लगा, तो मेन कारण रहता है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आप आकर यहाँ पर रिसेट करते ही नहीं हो। और अगर आप ये 2-3 महीना तक लगातार चलाते रहे मोबाइल और रिसेट नहीं करोगे तो यार आपके मोबाइल में जो जो भी अपडेट आते हैं, ऐप्स के हो गए, फोन के हो गए, कोई सा भी अपडेट हो गया वो आते हैं, तो भाई आपका फोन जो है वो ही सब रिसेट करने में आपका नेटवर्क जो है धीरे धीरे कम होते जाता है, और फिर आपको लगने लगता है कि यार मेरा नेटवर्क इतना स्लो क्यों चलने लगा है। तो आपको 2-3 महीना में आकर यहाँ पर आप रिसेट करोगे तो भाई आपका मोबाइल एकदम फ्रेश रहेगा, और उसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा, और आपका नेटवर्क भी स्पीड चलने लगेगा, साथ ही साथ वाईफाई ब्लूटूथ भी। तो ये होगा दोस्तों फर्स्ट सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड सेटिंग के बारे में। सेकेंड सेटिंग में दोस्तों यहां पर आपको बैक आ जाना है, फिर बैक आना है, और यहां पर मैं आपको बताता हूं सेकेंड सेटिंग के बारे में। सेकेंड सेटिंग में दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क में जाना है, और जैसे ही आप मोबाइल नेटवर्क में जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिम वन, और यहां पर सिम टू रहेगा, तो अगर आपको सिम टू यूज करते हो या फिर सिम वन यूज करते हो तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैं सिम वन यूज करता हूं तो यहां पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम्स, यहां पर जाना है, और रुको रुको ये मत समझना कि मैं आपको नया एपीएन बनाने के लिए बोलूंगा, नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपीएन तो आप बना लोगे लेकिन यार उसमें बहुत ही ज्यादा सेटिंग करना पड़ता है और उससे आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो यहां पर आपको सिंपल एक काम करना है, वो भी वन क्लिक में। यहां पर आपको 3 डॉट ऑप्शन मिलेगा, 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर लिखा रहेगा रिसेट एक्सेस पॉइंट, तो यहां पर रिसेट कर देना है, और फिर यहां रिसेट एक्सेस पॉइंट पर क्लिक कर देना है। अब जो है यहां पर आपका जियो का नेटवर्क जो है रिसेट हो गया है, अब जो है आपके मोबाइल में ज्यादा परफॉर्मेंस देखने के मिलेंगे। ये हो गया दोस्तों सेकंड सेटिंग। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड सेटिंग के बारे में। थर्ड सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, और फिर बैक आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा
प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका रहेगा 5G पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको थर्ड सेटिंग बताता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर होम पर आ जाना है, मोबाइल नेटवर्क पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर सेटिंग के नाम से, मोर सेटिंग में जाना है और फिर यहाँ पर 5G नेटवर्क मोड में जाना है। जैसे आप 5G नेटवर्क मोड में जाओगे तो यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन देखने मिलेंगे। तो काफी लोग क्या करते हैं, NS प्लस SA मोड कर देते हैं, फिर NS मोड कर देते हैं। तो मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, आपको करना है ऑटोमेटिक डिफॉल्ट, ठीक है, इसको आपको करके रखना है। तो ठीक है, यहां पर हो गया दोस्तों थर्ड सेटिंग जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फोर्थ सेटिंग के बारे में, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट सेटिंग होने वाला है, और उसको अगर आप कर लेते हो तो आपके मोबाइल में नेटवर्क जो है भाई इतना चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखना, ये लास्ट सेटिंग जो है आपके लिए VIP होने वाला है, तो इसको जरूर देख के ही जाना। तो फोर सेटिंग में आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखना, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है अबाउट डिवाइस। अबाउट डिवाइस में जाना है, जैसे आप अबाउट डिवाइस में जाओगे थोड़ा सा आपको स्क्रोल करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्जन के नाम से, वर्जन में जाना है। जैसे आप वर्जन में जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा बिल्ड नंबर, तो यहाँ पर आपको 7 बार क्लिक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जैसे ही आप 7 बार क्लिक करोगे तो आपके फोन में एक नया ऑप्शन जुड़कर रेडी हो गया है जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको बैक आना है और बैक आना है। अब वो जो है डेवलपर ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो आपको एडिशनल सेटिंग में भी देखने को मिल सकता है। इसमें नहीं मिल रहा है तो एसेबिलिटी सेटिंग में भी आप ढूंढ सकते हो, अगर इसमें भी नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मेरा एडिशनल सेटिंग में है तो एडिशनल सेटिंग में आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेवलपर ऑप्शन आ गया, यहाँ पर जाना है। और इसमें इतने सारे सेटिंग है जो कि आप कर करके थक जाओगे, लेकिन इसका आपको फायदा नहीं दिखेगा। लेकिन मैं आपको एक फायदा लाया हूं जो कि डेवलपर ऑप्शन में ही छुप कर बैठा हुआ है, जो कि आपके नेटवर्क स्पीड करने का ये सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा और स्क्रॉल करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग, तो इसको आपको ऑन कर देना है। इससे आपके मोबाइल का नेटवर्क जो है ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया देता है, ये नेटवर्क के लिए ही बनाया गया है और वाईफाई के लिए। ये आपके वाईफाई को स्कैन करता है और उसके बाद जो है आपका नेटवर्क पर पूरा स्पीड भेजता है, ठीक है। तो इसको आपको ऑन करके रखना है, ठीक है दोस्तों। यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में फोर सेटिंग जो कि मैंने आपको बताया, और ये जो है आपके फ़ोन में ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे आपके फ़ोन में बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे, और फिर आप जरूर कमेंट करोगे तो भाई थैंक यू यार, तुमने मुझे ये सेटिंग बता दिया, मेरा नेटवर्क जो है पूरा स्पीड चलने लगा। तो आई होप्स कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।